जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी बीज मंत्र बेनिफिट्स। माता बगलामुखी के बीज मंत्रों का जाप करने से क्या लाभ साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है? भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आज आप सभी भक्तों के लिए माता बगलामुखी का बीज मंत्र जपने से जातक को अपने जीवन में क्या लाभ मिलता है और इस मंत्र को जपने से क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है, इस विषय पर आपको भगवती बगलामुखी से संबंधित, माँ के बीज मंत्र से संबंधित कुछ अद्भुत जानकारी आपको दूंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भगवती बगलामुखी के विषय में लोग जागरूक हों, माता की कृपा प्राप्ति हेतु भक्तों को इस अद्भुत जानकारी का लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सके और महामाई की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में बनी रहे। तो इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करना है। माता बगलामुखी के बीज मंत्र, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी है और भगवती को राजयोग की देवी भी तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। माता बगलामुखी की पूजा आराधना जप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि भौतिक सुखों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है और माता बगलामुखी की पूजा करने से जातक के शत्रु निस्तेज हो जाता है और कोई भी अनिष्ट व्यक्ति का नहीं कर पाता। माता बगलामुखी की पूजा करने से तंत्र अविचार आदि क्रियाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता और यहाँ तक कि ग्रहों का प्रभाव भी उस व्यक्ति को नहीं सताता। माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने के कई फायदे हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। तो पहले नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप करने से पाप, संताप और मृत्यु जैसे घातक रोग नष्ट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला ये महामंत्र, क्योंकि भगवती बगलामुखी को हमारे तंत्र शास्त्र में इतनी प्रभावी देवी बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यदि मिल जाए तो वो भगवती बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में सुख और समृद्धि का वास निरंतर बना रहता है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से जातक के शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रु निस्तेज हो जाता है और इस मंत्र को जपने से भय से भी मुक्ति मिल जाती है। अगले नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने का जो प्रभाव होता है वो जातक के जीवन में सभी ज्ञात अज्ञात जो बाधाएं होती हैं, देही देविक भौतिक त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा भी व्यक्ति को अपने जीवन में मिल जाता है। अगले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वैभव की वो व्यक्ति प्राप्ति करता है। अगले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से आत्मविश्वास, बल और साहस में वृद्धि होती है। भगवती की कृपा उस जातक के जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहती है और माता बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से नवग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। मैंने अभी पूर्व में आपको बताया कि भगवती बगलामुखी की जो व्यक्ति जो साधक पूजा करता है भगवती कृपा से नवग्रह के कुप्रभाव उस व्यक्ति को नहीं सताते, नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और नवग्रहों का असंतुलन भी इससे दूर होता है। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य आदि जो नवग्रह है वो नौ के नौ ग्रह आपके जीवन में केवल शुभ प्रभाव दिखा सकते हैं, आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। तो अनेकों प्रकार के फायदे भगवती बगलामुखी के बीज मंत्र को जपने से हैं।
तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।